हसरत है हमारी बाबा कर दो वो पूरी आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके मिल जाओ प्यारे बाबा अब तुम्हें नहीं हो सकेगा अगर अंत में माया जी बनने का पुरुषार्थ भी करेंगे तो क्या होगा बाप दादा तोते की कहानी सुनाते हैं ना तोते को कहा नलके पर नहीं बैठना लेकिन नलके पर बैठ के ही बोल रहा था ऐसे अंत काल में अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो मन में सोचते रहेंगे नहीं नहीं मैं आत्मा हूं लेकिन माया प्रभाव भी होता रहेगा माया के वश भी होंगे और कोशिश करेंगे नहीं मैं आत्मा हूं हो ही नहीं सकेंगे इसलिए क्या करना है अभी से माया जीत बनने का और उसका सहज साधन है अपने रूहानी पर्सनालिटी को समृद्धि स्वरूप में रख पर्सनालिटी वाले की निशानी क्या होती है जो ऊंचे पर्सनालिटी वाले होते हैं उसकी कहां भी किसी में भी आंख नहीं जाएंगी ये ऐसा करता ये ऐसे करती मैं क्यों नहीं कर सकता हूं दूसरे के प्राप्ति में आंख नहीं जाए क्यों रूहानी पर्सनालिटी वाला सर्व प्राप्तियों से संपन्न स्वभाव में भी संपन्न संस्कार में भी संपन्न और संबंध संपर्क में भी संपन्न भरपूर वो कभी अपने प्राप्तियों के भंडार में कोई अप्राप्ति अनुभव ही नहीं करेंगे क्यों रूहानी पर्सनालिटी के कारण वो सदाई मन से भरपूर होने के कारण संतुष्ट रहता आंख दूसरे के प्राप्ति में तब जाती है जब अपने में अप्राप्ति अनुभव करते बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे आ
जादू आपकी मीठी बातों में रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में।